हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आप देख रहे हो जैस्मिन किचन। तो मैं आज एक नया रेसिपी लेके आई, वो है पान का शरबत। तो देखिए मैं कैसा पान का शरबत बनाती हूँ। पान का शरबत बनाने के लिए अपने को पान का ज़रूरत पड़ेगा और खजूर का ज़रूरत पड़ेगा, और मैंने बड़ी सौंफ लिया एक चम्मच, वो मैंने पानी में भिगा के रख दिया था 5 मिनट के लिए, और 7 से 8 मैंने खजूर ले लिया। तो देखिए आप मैं कैसे पान का शरबत बनाती हूँ। तो देखिए मैं एक मिक्सी का जार ले लिया। अब हम इसमें खजूर डालेंगे। खजूर देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका बीज निकल के ले लिया। देखिए आप भी इसी तरह उसका बीज निकल के लीजिए। मैं सारा खजूर का बीज निकल के ले लिया, आप भी इसी तरह लीजिए बीज निकल के। तो मैं पान का पत्ता को बारीक बारीक चॉप करके लिया। अब हम इसमें डाल देंगे मिक्सी जार में पान का पत्ता। मैं 8 से 10 पान का पत्ता लिया फ्रेंड्स, और ये कैसा हम 10 से 12 लोगों के लिए जूस बना सकते हैं, 8 से 10 पान का पत्ता। तो मैं खजूर भी इसमें डालेंगे, इसमें डाल देंगे खजूर। बड़ी सौंफ भिगा के लिया मैं 1 चम्मच, वो भी इसमें डालेंगे। पानी के साथ डालेंगे क्योंकि मैं पहले इसको अच्छे से धो के लिया था, इसके लिए पानी के साथ ही डाल देंगे इसमें। और खजूर में कैसे बहुत प्रोटीन होता है आप लोग को तो पता है, पान में भी बहुत विटामिन रहते हैं, बड़ी सौंफ भी तबीयत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इतना गर्मी में अगर आपको इस तरह का एक शरबत ठंडा मिल जाए तो पीने को तो बहुत मज़ा ही है। अब इसी मिक्सी जार में हम शक्कर डाल देंगे। इसको भी हम पीस के लेंगे क्योंकि जब हम दूध में डालेंगे तो मेल्ट होने को टाइम लगता है, इसके लिए इसी में डाल के पूरा साथ में पीस के लेंगे। 4 से 5 चम्मच डालेंगे शक्कर। और मैंने 3 ग्रीन इलायची लिया, ये भी इसी के साथ पीसने को डालेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत टेस्ट, अच्छा खुशबू आता है जूस में। अभी हम इसको अच्छे से पीस के लेंगे। तो देखिए मैंने बारीक चटनी बना के लिया, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया देखो पान का। अब भी इसी तरह चटनी बना के लीजिए अच्छे से। अब मैं एक बर्तन में एक जाली ले लिया। अब ये जो पीस के रखा मैं इसमें थोड़ा पानी मिक्स करके लिया। अभी अच्छे से इसको छान के लेंगे, कभी कभी थोड़ा बड़ा टुकड़ा रह जाएगा तो इसमें ही रहेगा। देखिए इस तरह से छान के लेने का अच्छे से। तो देखिए मैंने छान के लिया, ये देखिए निकला, ये बड़ी सब का जो छिलका वगैरह है वो निकला, और खजूर का भी थोड़ा बहुत निकला इसमें। इसके लिए इसको छान के लेने का, नहीं तो कैसे ये मुँह में आएगा तो जूस पीने को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हो गया। अब हम एक आइस ट्रे लिया, इसमें हम स्टोर करके रखेंगे क्योंकि पूरा नहीं बनाएंगे मैं, क्योंकि 15 से 20 दिन के लिए बना के लिया। तो इसमें कूप बना के रखेंगे, जब पीने का मन होगा 2 कूप निकालने का, दूध में डाल के मिक्स करके पी लेने का। अब हम आज मैं 4 गिलास बनाएगा, 4 गिलास बना के लूँगी आज मैं, और बाकी मैं पूरा स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में, डीप फ्रिज में आइस होने के लिए। जब कुछ ठंडा पीने का मन होएगा तब मैं इसको एक एक दो दो निकल के बच्चे लोग को। अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे आइस होने के लिए। तो अब हम इसमें दूध मिक्स करके लेंगे। मुझे 4 गिलास बनाने का, वो हिसाब से मैं दूध डालेंगे, दूध डाल के लेगी अभी। देखिए फ्रेंड्स अब मैंने दूध डाल के लिया है,
देखिए कलर कितना अच्छा आया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए मत प्लीज। इतना गर्मी में ऐसा ठंडा ठंडा जूस मिलेगा तो मज़ा ही आ जाए फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा जूस बना है। कल के पान का ग्रीन कलर कितना अच्छा ग्रीन कलर आया पान का। अब हम इसमें थोड़ा आइस ऐड करेंगे। ठंडा ठंडा देखिए वाह। आप भी इसी तरह बनाइए इस जूस को। आप घर पे बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए और आप भी पिए और गर्मी का मजा लीजिए। अब आप गिलास में सर्व करके लेंगे पूरा। आप भी घर पे पिए फ्रेंड्स, बने ये पिए ठंडा यमी टेस्टी लाजवाब। आपके एकदम मज़ा आ जाएगा, आप एकदम खुश हो जाएंगे पिएगा तो।